तो अगर आप चाहे एयरटेल की सिम चलाते हो, चाहे जियो की सिम चलाते हो, और चाहे आप इस्तेमाल करते हो वोडाफोन की, तो आज आपके पास कुछ इस तरह के मैसेज जरूर आए होंगे व्हाट्सएप पर, और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आज की वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पीएम मोदी की तरफ से आपको फ्री में मोबाइल रिचार्ज मिल रहा है 3 महीने का 749 रुपये का। तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना, अगर वीडियोस पसंद आए तो जरूर से लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने आपको इस तरह का मैसेज भेजा हो, या फिर हो सकता है कि किसी ने आपके रिश्तेदार ने आपको इस तरह के मैसेजेस भेजे हों। हालांकि इस तरह के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे पास भी काफ़ी बार आए हुए हैं और आपके पास भी जरूर आए होंगे। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? आप पूरा जरूर देख लेना ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता सकूं कि आखिर ये फ्री के रिचार्ज कैसे मिल रहे हैं और किस तरह के मिल रहे हैं। मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाए। अब चलो गाइस, मैं बात करता हूं कि आखिर ये फ्री के रिचार्ज कैसे मिलेंगे, कहां पर जाकर मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है, यहाँ पर ढेर सारे गिवे होते रहते हैं। गिवे में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर होता है। जैसे कि फ्री में यहाँ पर हम आपको पेटीएम कैश देते हैं, फ्री में गिफ्ट कार्ड देते हैं, एंड बहुत सारे गिवे यहाँ पर चलते रहते हैं। और गिवे का जो अनाउंसमेंट होता है वो मैं टेलीग्राम पर ही करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन में सिर्फ टेलीग्राम ही चैनल अवेलेबल होता है, ठीक है ना। अब देखो, वीडियो पूरा देखोगे तो पूरी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये जो रिचार्ज है ये फ्री में कैसे मिलेगा और इस रिचार्ज को हम कैसे करेंगे, ये पूरी डिटेल्स हम इस वीडियोस में कंफर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियोस देखिएगा। तो टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया होगा, तो टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन जरूर कर लेना। अब मैं बात करता हूँ कि इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो आपके पास इंस्टेंट अभी आ सकते हैं, या फिर आ चुके होंगे, या फिर आने वाले समय में कल परसों में आ भी जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसमें आपको एक फोटोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिखेगी और यहां पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव जीतने और एक बार फिर से पीएम बनने की खुशी में पूरे भारत को दे रहे हैं 749 वाला 3 महीने का रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो अब जाइए रिचार्ज लेने के लिए, नीचे नीले रंग के लिंक पर क्लिक करें और फ्री में रिचार्ज प्राप्त करें। अब आप में से काफ़ी लोग होंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि चलो कम से कम मुझे 3 महीने का फ्री में रिचार्ज मिला। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है और कैसे फ्री में बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जो कि स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हालांकि यहाँ पर मोबाइल का जो हमारा स्क्रीन है वो यहाँ पर आपको शो होगा और मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स में वीडियोज बताऊंगा ताकि आपको पूरी चीज समझ में आए कि आखिर जो मोबाइल रिचार्ज है फ्री में कैसे मिलेगा और क्या करने के बाद मिलेगा, ये पूरी चीजें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। आप गाइस यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ पीएम मोदी रिचार्ज ऑफर 2024, यहाँ पर लिखा हुआ, नीचे क्लिक करके चेक करें कि आप फ्री रिचार्ज पा सकते हैं या नहीं। अब इस पर हमें क्या करना है, चेक ना वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का वेरीफाई करना पड़ता है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हमारा मोबाइल स्क्रीन जब दिखेगा तो आपको सारी चीजें खुद पता लगेगी कि ये चीजें क्या है और कैसे हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपके क्षेत्र के सभी लोग को फ्री मोबाइल पास रिचार्ज पा सकते हैं, कृपया नीचे अपना फोन नंबर लिखें। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना एक नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद गाइस यहाँ पर जैसे मैं रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ रिचार्ज एक्टिवेशन प्रोसेस, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, एंड देन उसके बाद प्रोसेसिंग डेटा 100% शो हो रहा है, एक्टिवेटिंग 7190, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है और देखने वाली बात है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अपने नंबर्स डालते हो तो आपको 2 साइन बोर्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो जैसे कंप्लीट होता है फिर यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, बधाई हो, आपको 3 महीने के लिए फ्री रिचार्ज मिला है। फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फ्री रिचार्ज को एक्टिवेट करने के लिए या फिर कैसे करें वो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा हुआ है वो फ्री रिचार्ज को एक्टिवेट करने के लिए नीचे हरे रंग के व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें और इस ऑफर को व्हाट्सएप पे 5 ग्रुप या 10 दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इस ऑफर का लाभ उठा सकें,
उसके बाद दूसरा ऑप्शन है शेयर करने के बाद ही आप अगले स्टेप पर जा पाएंगे, जिससे आपका फ्री रिचार्ज 84 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या ये सच में रिचार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया होगा, क्योंकि इस तरह की जब भी कोई न्यूज़ आती है, कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं या फिर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं ज़रूर उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, देन उसके बारे में वीडियोस बनाता हूँ। इसलिए बनाता हूँ कि जैसे मेरे पास ये मैसेज आए होंगे, ऐसे आप सभी लोगों के पास भी ये मैसेजेस जरूर गए होंगे। हालांकि मुझे तो पता है कि यहाँ से रिचार्ज होता है या नहीं होता है, लेकिन सभी लोगों को नहीं पता होता कि इन वेबसाइटों से रिचार्ज होता है या फिर ये झूठ मूठ का अफवाह फैलाते हैं। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, क्लियर मेंशन में कर देता हूँ, इस तरह की जो वेबसाइटें होती हैं, पहली बात तो किसी तरीके का कोई मोबाइल रिचार्ज इस वेबसाइट से या फिर इस तरीके की वेबसाइट से कोई भी मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है कि इन तरीके की जो वेबसाइटें होती हैं, यहाँ पर क्लिकबल होती हैं, मतलब जितना ज़्यादा आप क्लिक करोगे उतना ज़्यादा जो इसके ऐप जो वेबसाइट के डेवलपर्स होंगे उनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, काफ़ी अच्छा खासा वो लोग पैसा कमा लेते हैं। अब ये क्या करते हैं कि हर फेस्टिवल को या फिर जो भी या फिर न्यू ईयर को या फिर कोई इलेक्शंस आते हैं, इन तरीके की चीज़ों को ये लोग हमेशा टारगेट करते हैं। अभी जैसे इनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं कि उसके चक्कर में ही ये लोग ऐसे लिंक जनरेट कर देते हैं कि अब पता है लोगों को कि हाँ सच में ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे जब लिंक ये लोग भेजते हैं लोगों के पास, तो लोगों को क्या लगता है कि सच में ये ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये सच होता तो यहाँ पर आपको कुछ आगे का ऑप्शंस मिलता। यहाँ पर इन तरीके की जो वेबसाइटें होती हैं, यहाँ पर बोला जाता है 5 से 10 लोगों को शेयर करो। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे लोग क्या करते हैं या फिर हम जैसे लोग क्या करते हैं, फ्री के मोबाइल रिचार्ज के चक्कर में इन जैसी वेबसाइटों पर अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें होती हैं जहां पर आपका मोबाइल नंबर के साथ साथ में OTP भी मांगी जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकती है, जहां पर आप अपना नंबर डालोगे फिर ये बोलेगा कि अगर आपको फ्री में मोबाइल रिचार्ज लेना है तो एक OTP आएगी, OTP को भी फिल करना है। अब आप में से काफी लोग जो है वेरिफिकेशन के चक्कर में OTP भी डाल देते हैं। अब जब आप अपना OTP और अपना नंबर्स डालती हो तो क्या होता है ना कि काफी ऐसी वेबसाइटें हैं, यहाँ से आपको काफ़ी खतरा भी हो सकता है, जैसे कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है या फिर आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी पूरी जो एप्लीकेशन है आपकी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर वो हैक हो सकती है, आपके अकाउंट को हैक किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग ये चीज़ें साइबर जो इस तरह के डेवलपर्स हैं या फिर इस तरह की जो वेबसाइट मेकर्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो फ्रॉडियर्स होते हैं वो कई तरीके की अपने टेक्निक को यूज़ करते हैं और आप में से काफ़ी लोगों को टारगेट भी करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे में आप सभी को इन तरीके की वेबसाइटों के अंदर फंसना नहीं है। पहली बात तो ये किसी तरीके का कोई मोबाइल रिचार्ज नहीं देते हैं। आपने देखा होगा अगर होली आती है, दिवाली आती है या फिर न्यू ईयर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की वेबसाइटें हमेशा वायरल होती हैं और काफ़ी लोग जो है इस तरह की वेबसाइटों को शेयर भी करते हैं व्हाट्सएप पे। अब यहाँ पर जब इसके अंदर बताया जाता है कि 5 लोगों तक आप शेयर करो एंड देन शेयर करने के बाद आपको फ्री में रिचार्ज मिलेगा, तो आप में से काफ़ी लोग जो है ना वो 5 लोगों को शेयर कर देते हैं। अब वो 5 लोग क्या करते हैं, वो 5 लोग आगे 5 लोगों को शेयर करेंगे, ऐसे करके ना एक बहुत बड़ी सीरीज बन जाती है। और अप्रॉक्स में बात करूँ तो ये पूरे ऑल इंडिया में जो है वो लगभग ये मतलब शेयर होने लगता है। हालांकि इससे कोई बेनिफिट नहीं आप सभी को, बल्कि आपका लॉस ही है यहाँ पर। तो ऐसी वेबसाइटें अगर आपको दिख रही हैं, अगर ऐसी वेबसाइटें कहीं आपको मिल रही हैं, तो पहली बात तो आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। ऐसी भी किसी भी वेबसाइट से कोई भी फ्री का रिचार्ज नहीं मिलता है, ठीक है ना। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि ये वेबसाइटें जो होती हैं ये उल्टा कमाई का जरिया है, ये खुद तो कमाई कर ले जाती हैं लेकिन आपका डेटा साथ में लेके जाती हैं, जिससे कि बाद में आपके डेटा आपके मोबाइल नंबर लीक होने के चांसेस बन जाते हैं। और बहुत सारे जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपके अकाउंट खाली हो सकते हैं, आपकी वेबसाइट के थ्रू आपकी एप्लीकेशन हैक हो सकती है, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट हैक हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आपके साथ हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसी वेबसाइटों से दूर रहना है। अगर इस तरह की कभी भी आपको कोई लिंक मिले तो प्लीज कृपया इसको शेयर ना करें, किसी के पास शेयर ना करें। वो जैसे ही आपके पास आती है पहला काम उसको डिलीट कर दो, और डिलीट करने के बाद किसी के साथ कभी शेयर मत करना, क्योंकि शेयर करोगे तो काफी लोग ऐसे हैं कि जो कि फ्री के चक्कर में वहां पर अपना नंबर अपना OTP
ओटीपी, वो सारी चीज़ें फिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो गाइज मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन जैसी वेबसाइटों को कभी भी आप ओपन ना करें, कभी भी इन जैसी वेबसाइटों पर अपना मोबाइल नंबर या फिर अपना पर्सनल डेटा शेयर ना करें, आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान और इसकी भरपाई भी करनी पड़ सकती है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को हो सके तो कम से कम 10 लोगों तक शेयर करना और उन 10 से बोलना कि आप आगे का शेयर करो, क्योंकि गाइस अगर आप शेयर करते हो ना तो ये इस वीडियो से काफी लोगों का डेटा बच सकता है, काफी लोग जो है जिनका अकाउंट खाली होने से बच सकता है, आप उसके जो है साझेदार बन सकते हैं बचाने में। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि अभी ये जो ये लिंक है काफ़ी लोगों तक जा सकती है, काफ़ी लोग वैसे भी इसको शेयर कर रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे उनको जब पता चलेगा तो ज़रूर इस पर रोकथाम जरूर लगेगी और ऐसी वेबसाइटें भी बनाना बंद करेंगे डेवलपर जो होते हैं। सो गाइस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।